एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपने 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न हल किए। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर एक। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कला कुंभ चित्रकला कार्यशाला का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2019 के मध्य कहां पर हुआ था? प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में या हरिद्वार में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है, संतुलन, वर्ण, सामंजस्य या लय? तो संयोजन का सिद्धांत वर्ण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? पहली, छठी, नौवीं या दसवीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, छठवीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जोरिकाल्ट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच। रेखाम प्रसन्न सत्या आचार्य वर्तनाम चा बिछड़ा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कामसूत्र में, मनुष्यलाश में, चित्रसूत्र में या चित्रलक्षण में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कामसूत्र में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? परमजीत सिंह की, रविशंकर रावल की, जैनुल अबदीन की या महेंद्र पांड्या की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमजीत सिंह की। अगला प्रश्न है, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन की प्रमोद कुमार चटर्जी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार चटर्जी ने नर्तकी आम्रपाली का चित्र बनाया था। प्रश्न नंबर आठ, मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? वुड कार्विंग के लिए, टेराकोटा के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए या आयरन वर्क के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटल कास्टिंग के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौ। हाई रेंसा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है कौन है? रैफेल है, माइकल एंजेलो हैं कि लियोनार्डो द विंसी हैं कि फ्रा एंजेल को हैं? तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है, लियोनार्डो द विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीन नदी के किनारे युवतियाँ एक किसकी कृति है? कुर्बे की है, सेजान की है, माने की है या देगा की है? तो सीन नदी के किनारे युवतियाँ जो कृति है कुर्बे की है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फावाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1901 में, 1903 में, 1905 में या 1907 में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1905 में। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा परमिता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, पाणिनी, गुणाद या वासमित्र? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, फायान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या मोहम्मद तुगलक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनवाद से प्रभावित कलाकार कौन है? जॉर्ज कीट है, एम एफ हुसैन है, जागीर सावावाला है या इनमें से सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी घनवाद से प्रभावित कलाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गंगेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1867 ईस्वी में कि 1876 ईस्वी में या 1967 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1867 ईस्वी में गंगेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? दिल्ली, पेरिस, म्यूनिख या साओ पाउलो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1954 को कि 25 मार्च 1947 को या 6 अगस्त 1954 को कि 11 नवंबर 1949 को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 मार्च 1954 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? कौल कृष्ण, केशव कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो या जगमोहन चोपड़ा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जगमोहन चोपड़ा। अगला प्रश्न है, पैक के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाकर बसे। पैक ग्रुप के कौन सदस्य पेरिस में जाकर बसे? सोजा, गाड़े, रजा या बाकरे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यंजनावाद चित्रों का माध्यम कैसा होता है? तैल, जल, टेम्परा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तैल। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की? 1829 में, 1927 में या 1929 में और 1839 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1829 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, मिस्टर ग्रिफ्स आचार्य रहे बड़ौदा स्कूल के, सर जे जे स्कूल के, कलकत्ता स्कूल के, मद्रास स्कूल के। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सर जे जे स्कूल। अगला प्रश्न है, राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का स्याही चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित है? कागज पर, कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर या काष्ठ पे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कागज पर। राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो चित्र बनाया ही स्याही से, वो कागज पर अंकित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, इन बिट विनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक कौन होता है? एक किसके मध्य के अंकन है? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम या की फ्रेम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, की फ्रेम। अगला प्रश्न है, पांड्य राजाओं में भरत वर्मन तथा नानदेव जैन के समय 9वीं शताब्दी के लगभग कौन थे? बौद्ध, जैन, शैव या ब्राह्मण। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जैन। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, जैन, शैव या ब्राह्मण। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? पारसी ब्राउन, ई वी हैवेल, अविनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई वी हैवेल। अगला प्रश्न है,
कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया है देवयानी कृष्ण ने या एलबी पलसीकर ने, छितिंद्रनाथ मजूमदार ने या अमृता शेरगिल ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी संबंधित हैं दिल्ली से हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया? 1828 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 में या 1905 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहा जाता है? मीनार, जिगुरत, जिमरिलम, पिरामिड। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, जिगुरत। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या मिश्र शैली। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नागर शैली। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करता है। अजंता, बादामी, एलोरा या सिंथल वाशल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एलोरा की गुफा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 22 को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? रावण की खाई, गणेश गुफा, इंद्रसभा या नीलकंठ। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ। एलोरा की गुफा संख्या 22 को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो या बाग में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। मजनू का जन्म, लैला के सामने जंजीरों से बंधना मजनू, गोवध करता हुआ जहाक, सलीम का जन्म। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सलीम का जन्म। प्रश्न अगला देखते हैं, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारिका में, पुरी में, मथुरा में या गांधी नगर में। तो स्वामी नारायण का मंदिर ऑप्शन डी सही होगा, गांधी नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते हैं? राजभवन, समाज, पूजा गृह या पाषाण स्तंभ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूजा गृह, जिगुरत। अगला प्रश्न है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है? नाइट्रेडम गिरजा में, रिम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में या ब्रिजेंस गिरजा में। सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन बी, रिम्स गिरजा में। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को या वेनिस को। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोम को। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेबिट मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? नार्दिन वेंको या लोरेंजो, दोनाटिल्लो या घिवर्ती। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनाटिल्लो। अगला प्रश्न है, 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग में, युग के समय सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। हमजानामा, तूतीनामा, शाहनामा या जफरनामा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हमजानामा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में या हिरोशिमा, जापान में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, म्यांमार, यंगून में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, सरोज मुखर्जी, अमलेलकर या एन एस बिंद्रे। तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी,
अमलेलकर। चलिए अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? लोक जीवन, आधुनिक जीवन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आधुनिक जीवन। अगला प्रश्न है, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, 50 मीटर, 55 मीटर या 66 मीटर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 66 मीटर। अगला प्रश्न है, एक विशेष तकनीक द्रुत तुलिका संचालन किसकी विशेषता है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, असित कुमार हल्दार की, यामिनी राय की, नंदलाल बोस की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? बाल कला, अभ्यंजनावाद, लोक कला या प्रभाववाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, बीजापुर का घेरा किस युग की का प्रसिद्ध चित्र है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1480 से 1507 या 1490 से 1517 कि 1500 से लेकर 1527 या 1510 से 1537? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1500 से लेकर 1527 का जो काल है वो पुनर्जागरण कला का शिखर काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? आंधी घाटी का चित्र, मोनालिसा, लाफ्ट सफर या वर्जिन ऑफ द रॉक्स? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। अगला प्रश्न है, मनोहर, केशवदास, गोवर्धन एवं बालचंद की कला में क्या समानता है? पशु पक्षी चित्र या आत्मचित्र, कल्पना चित्र या व्यक्ति चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्मचित्र। अगला प्रश्न है, अमरुत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़, किशनगढ़, मालवा या बूंदी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालवा। अगला प्रश्न है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? बूंदी, जोधपुर, नाथद्वार या मेवाड़? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, पाल शैली का युग कौन सा था? प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न है, प्राचीन गुफा चित्रों में मेघ बालाएं कहाँ अंकित हैं? सिग्रिया की गुफा में, बाघ की गुफा में, बादामी में या अजंता में? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिग्रिया की गुफा में प्राचीन मेघ बालाएं अंकित किए गए हैं। अगला देखते हैं, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्कोपस, ऑप्शन बी लिविपस, ऑप्शन सी पेट्रिटाइल्स, ऑप्शन डी फिडियास? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिडियास। अगला प्रश्न है, हिमाऊ के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान या ताशकंद? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण हैं? भरूच, सांची, धमेक या अमरावती? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? महबूब खान, भानुथैया, सत्यजीत रे या बाबा साहेब फाल्के? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महबूब खान। अगला प्रश्न है, सन्यासी के भेष में बुद्ध चित्र किसने बनाया? भाव सामर्थ,
अब्दुल रहमान, यामिनी राय या पुतिन बिहारी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पुतिन बिहारी। चलिए अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया? पाल, गुप्त, जैन या हिंदू? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पाल राजाओं ने। अगला प्रश्न है, शोक मग्न तथा दासी की आकृतियाँ बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित हैं? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, कि गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, या 3 के बाहरी बरामदे में, या 7 के बाहरी बरामदे में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में शोक मग्न तथा दासी की आकृतियाँ चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवीपाटन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित है? ऑप्शन ए फिंटास गोमरी, ऑप्शन बी मैन विद द विंड, ऑप्शन सी थ्री लिटिल पिक्स या स्टीम बोल्ट वेले? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गॉन विद द विंड। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियाँ कहाँ हैं? सेंट पीटर गिरजा में, सेंट मैथ्यू गिरजा में, या सिस्टीन गिरजा में, या सेंट डेनिस गिरजा में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंट पीटर्स गिरजा में। अगला प्रश्न है, अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी के सर्वप्रथम दिखाई देता है? मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था, गुफा संख्या 9, 10, 16 या 17? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गुफा संख्या 10। अगला प्रश्न है, सलो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम या राजनीतिक संस्था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कला प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शांति निकेतन। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर या साक्षी मंदिर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा या एम एफ हुसैन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम एफ हुसैन के द्वारा मदर टेरेसा बनाया गया था चित्र। अगला प्रश्न है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद या लाल हरा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला और हरा जो है वो शीतल रंग उत्पन्न करने वाले हैं। अगला है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय का भाववादी चित्रण था, या विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, या विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, कि विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। अगला प्रश्न है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, चिमाबू थे, द्वेच्चो थे, जियोत्तो थे या बेतचेली थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जियोत्तो। अगला प्रश्न है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं रेडियर, मानो, वाइशन, उपरोक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूपों का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सातवाहन काल। अगला प्रश्न है, इनले का अर्थ क्या होता है? आकृत उत्कीर्ण, अंतिम प्लास्टर, जड़ाऊ काम, अंतर्ज्ञान? सही जवाब होगा ऑप्शन से, जड़ाऊ काम। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, ढूमरी किसके शासन काल में लोकप्रिय हुई?
अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या वाजिद अली शाह। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की लिपि में कितने अक्षर थे? 230, 240, 250 या 260। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250। अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणराज, पाणिनि, कौटिल या चरक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणराज। अगला प्रश्न है, मौर्य कालीन यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली की प्रतीक हैं? गांधार मूर्ति शैली, मथुरा शैली, प्रिमिटिव शैली या पाल शैली। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्रिमिटिव शैली। अगला प्रश्न है, होलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, रोट्स द्वीप या निकोबार द्वीप। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रोट्स द्वीप। अगला प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते हुए बाघ का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए, नेबुकदनेज़र या फराहो खफू खुफू, अगस्त सीजर या हम्मुराबी। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बेबीलोन के झूलते हुए बाघ के निर्माता थे नेबुकदनेज़र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, पांडवानी किस राज्य की लोक संगीत है? बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ या बुंदेलखंड। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने पर क्या बनता है? बैंगनी, हरा, नारंगी या काला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हरा रंग बनेगा। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग से, बुरोक पेंटिंग से, हाई रेंसा पेंटिंग से, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न है, वह सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती क्या कहलाती हैं? सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतसंहार, रघुवंश तथा कुमार सम्भोग के रचयिता कौन है? विशाखदत्त, अश्वघोष, कालिदास या राजशेखर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कालिदास। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी? गंधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य या गुप्त शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंधार शैली में बनी। अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? ऑप्शन ए, एपियस, ऑप्शन बी, एमियस या बेसियस या ड्यूमस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एपियस। अगला प्रश्न है, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? पार्थोस सेन, जितिन दास, एम ए भूषण, जी स्वामीनाथन। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पार्थोस सेन। अगला प्रश्न है, पियर रेस्तानी एवं यू क्लेव ने किस वाद की स्थापना की? यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पाप कला या अनियांत्रिक कला। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नौ यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? फावाद, प्रतीकवाद, प्रभाववाद या घनवाद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, मौली का हाथी मूर्त किस काल में बनाई गई? कुषाण काल, मौर्य, शुंग या सातवाहन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, 2014 की क्रिस्टी नीलामी में अकबर पद्मश्री की पेंटिंग प्रोफेट वन कितने कीमत पर बिकी? 2.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में, 5.2 करोड़ में या 9.8 करोड़ में।
तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 5.2 करोड़ में। अगला है, अकबर नामक के चित्र कब बने? 1600 में, 1601 में, या 1550 में, या 1514 में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का था? शेख फूल, स्वामी हरदास, ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99, लौर चंदा, चौर पंचासिका, अमरू शतक आदि के चित्र किस शैली में बने? मेवाड़, मरवाड़, कोटा या मालवा? सही जवाब हो यहाँ होगा ऑप्शन डी, मालवा शैली में। अगला प्रश्न है, 7वीं से 12वीं 13वीं शती के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत, जैन, पाल या पहाड़ी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शैली का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? धार में, हैदराबाद में, कोटा में, या ग्वालियर में? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चेन्नई, मदुरई या चिदम्बरम मैसूर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को, या जैन तीर्थंकर को? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन तीर्थंकर को। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृत, अंतःज्ञान, भाव की अभिव्यक्ति? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की नकल। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका प्रसिद्ध चित्र है? रेम्ब्रा, गोया, हेनरी माथिस या पिसारो? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस की प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्तिचित्र कृति किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, राम कुमार का, रविंद्र राम किंकर बैज का, या मैं भूषण का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट है, कि मृणाली मुखर्जी, कि बालन नाबिंद्यार, या पी आर डरोज? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पी आर डरोज। अगला प्रश्न है, चेतनराज मजूमदार को क्या कहा जाता था? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संत चित्रकार। अगला प्रश्न है, वैजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? वेसिलका गिरजा में, सान विताले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में, या सेंट विसिल गिरजा में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सान विताले गिरजा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार, या बेल मेटल कलाकार? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, घड़वा कलाकार के कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोरपंख, दाना फरंग, या सोन किरवा, या लाल वर्ज? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सोन किरवा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? 1, B, 10 में, या 16 में, 2 में, या 11 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 में। अगला प्रश्न है, उत्तर पुनरुत्थान में बेनिस का राइफल किस कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए, पार्मेजियानो, या तिंतोरेत्तो, टिशियन, या पाउलो बेरनीज? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पाउलो वेरनीज। अगला प्रश्न है, के सी एस पनिकर का जन्म 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ? कोयम्बतूर, किलिमन्यूर, मुर्शिदाबाद, या जोड़सांको? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है,
अस्थाई भाव कितने माने जाते हैं? 8, 9, 12 या 10? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है, भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण क्या है? आनंद, भाव, सौंदर्य, रस? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर अर्पिता सिंह को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? 2010, 2011, 2012 या 13? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2011 में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है 5वीं से 7वीं सदी या 7वीं से 8वीं शताब्दी या 8वीं से 9वीं शताब्दी या 10वीं से 12वीं शताब्दी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 5वीं से 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनाए? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किस शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिप मिलती है? बसौली, कांगड़ा, चंबा या नूरपुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बसौली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कलकत्ता शैली का, कालीघाट, तंजौर शैली का या पटना शैली का? जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पटना शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसनगर की चामर ग्रहणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज किस काल की है? मौर्यकाल, शुंगकाल, कुषाणकाल या चोलकाल? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मौर्यकाल की है। अगला प्रश्न है, 12वीं शती में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्नकेश्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन ने, विष्णुधर वर्धन ने या राजा राज ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फिल्म निर्माता ने एक वृत्तचित्र इंडिया डॉटर, भारत की बेटी बनाया था जिसे भारत सरकार ने प्रसारण से रोक दिया था? ऑप्शन ए लेस्ली वुडविन, ऑप्शन बी जस्टिन अल्बर्ट, ऑप्शन सी मंसूर अली या मैक्स एंडरसन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेस्ली वुडविन। अगला प्रश्न है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग या अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।